अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मी की इजी रेसिपी। जी हाँ, नेम चेंज हो गया है, अब अम्मी की इजी रेसिपी चैनल का नाम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दावत जैसा चिकन का सालन। जी हाँ, ये बहुत टेस्टी सालन है, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो हमने यहाँ पर लिया है 1/2 kg चिकन, जो कि अब हम इसे मैरिनेट करेंगे नींबू और कुछ और चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू लिया था, आप एक भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं डालती हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर, जो कि मैंने चिकन बिरयानी में भी डाला था, जो हम हर चिकन में डालते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फूड कलर डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैंने डाल दिया सॉल्ट, आप रंग की जगह हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर हल्दी नहीं डालना चाहते तो सिर्फ नींबू और नमक डाल दीजिए बस। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए अलग साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें तेल गरम करना है, उतना तेल लीजिएगा आप जितना कि सिर्फ चिकन लाल हो जाए। तो तेल गरम होने के बाद हम यहाँ एक एक करके अपना चिकन डालेंगे। चिकन को लाल होने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है चिकन में पानी आ जाता है, इसलिए हमें तो और देखना पड़ता है, कभी पानी आता है उसमें कभी नहीं आता। तो जैसे पानी आ गया तो अब उसको पानी सुखाने तक उसको अच्छे से लाल करें। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लाल करेंगे। चिकन लाल हो चुके हैं, अब बिल्कुल ये रेडी हैं, अब इसको हम अलग साइड में रख देते हैं। और अब हम आते हैं मसाले पर, जो गरम मसाले हैं खड़े डालते हैं सालन में, वो बहुत कम डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 इलायची, 1 इलायची बड़ी इलायची का छिलका और दालचीनी और 3 तेज़पत्ता, बस इतनी मसाले डालेंगे शुरुआत में। उसके बाद मैंने ली है 1/2 पाव प्याज, मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था बिना पानी डाले, सिर्फ 5 सेकेंड में ये पीस के तैयार हो चुकी थी। ये कद्दूकस जैसी हो करनी चाहिए बस, नहीं तो ज़्यादा प्याज ला करने से क्या होता है कि तेल नहीं आता। उसके बाद हम इसमें लेंगे 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम लेंगे इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, उसके बाद थोड़ा नमक। हल्दी मसाले में कम डलती है तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिर्ची से हल्दी कम डलती है। उसके बाद 2 टमाटर लिए थे, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो चलिए अब हम आते हैं, तो ये इतनी मसाले डालेंगे, उसके बाद गरम मसाला डालते हैं जो ऊपर से डालते हैं, तो ऐसे इतनी मसाले डालेंगे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुझे जिस बर्तन पे बनाना है सालन, उस पे मैंने लिया है, मैंने 3 चम्मच से तेल लिया है, आप जिस बर्तन से आप बनाते हो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मैंने 3 लिया है ऑयल, और यहाँ पे जो मैंने शुरुआत में मसाले दिखाए थे वो डाल देने हैं। और प्याज डाल से मैं आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे छींटे बहुत पड़ती हैं, तो आप ढक कर इसको पहले ऐसे डालिएगा जैसे मैं डाल दी हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा होने देंगे। तो प्याज को भूनने में 5 मिनट्स लगेंगे, सिर्फ प्याज को भूनने में। इसमें पानी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा क्योंकि पानी डालने से मसाले ठीक से नहीं भून पाते हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ना, पानी डाल देते हैं फिर मसाले ठीक से नहीं भून पाते हैं, तो आप मसाले में पानी मत डालिएगा। पानी कहाँ डालना है भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये मसाले भुन रहे हैं, अभी 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, और ये देखिए ये ब्राउन कलर के प्याज हो चुके हैं। तो देखिए आप, अब उसके बाद हम डाल देंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसको डाल देंगे। इसमें भी पानी नहीं डालना है, जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही आप डालिएगा। उसके बाद जो हमने हल्दी पीसी मिर्ची और नमक का लिया था उसे हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसे पहले घोल कर भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो हम इसको ऐसे डाल देंगे। टमाटर अभी नहीं जाएगा, अदरक लहसुन के डालने के 2 मिनट बाद ही हम टमाटर ऐड करेंगे, वरना टमाटर में पानी रहता है वो अदरक लहसुन को ठीक से नहीं भूनने देता, तो इसलिए हमें अभी नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन भून रहे हैं, देख सकते हैं इसमें हल्का तीरा आने लगा है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद इसे थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है क्योंकि इसमें डोसा रहता है, पानी रहता है, तो ये टाइम लेता है। तो अब इसे हम भूनेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा पानी डालना है वहाँ वहाँ हमको पानी डालना पड़ेगा।
तो ये देखिए, तो ये भुंज रहा है अच्छे से, आप देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स मसाले बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके बाद मसाले बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें अपने चिकन डाल देंगे। तो चिकन डाल देने के बाद ही थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, तो चिकन पैर डाल के हम थोड़ी मिनट भूंज लेंगे इसको। ये देखिए हमारा चिकन इसमें डल चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर भूंजेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स चिकन यहाँ पर भून चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम ढक कर 5 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक कर पकने देंगे। बस आपको जलना नहीं चाहिए, नहीं तो जलने से क्या होता है, पूरा टेस्ट सालन पूरा बेकार हो जाता है। तो आप बिल्कुल इसे जलने मत दीजिएगा। वैसे ये पानी नहीं है तो इसमें बिल्कुल नहीं जलेगा, तो आप ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम इसको अब अच्छे से भुनने देंगे। आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा, आपका सालन बिल्कुल दावत जैसे सालन बनेगा। बस जैसे मैंने फॉलो किया है ये कैसे डालना है, कब डालना है, बस आप बिल्कुल वैसे ही डालिएगा, तो बहुत जल्दी माशाल्लाह आपका सालन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स चिकन बिल्कुल भुन चुका था, अब इसमें हम पानी डालेंगे, यानी कि पानी डालना मतलब ये सालन लगेगा। तो इसमें हमें कितना पानी डालना है, कितना सालन लगेगा, तो आप देखिएगा, इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होगा, कितना पतला होगा। ये बीच का रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी ठीक नहीं है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि ये कितना पानी इसमें जाएगा। तो मैंने देखिएगा यहाँ 2 कटोरी का पानी डाला था हाफ के जी चिकन में, तो ये देखिए कितना गाढ़ा है। आप इतने ही डालिएगा, एक साथ पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वही से आपको समझ में आएगा। कुछ लोग एक साथ डाल देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ढक कर उबाल ली थी, सिर्फ एक बॉल आना चाहिए, ज़्यादा बॉल आने से क्या होता है ना, जिसमें सालन का जो तीरा रहता है ना वो ठीक नहीं आ पाता। तो चलिए अब इसके बाद गरम मसाला डाल दिए जो हम घर पर बनाते हैं, जिसकी रेसिपी भी हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद धनिया कटी हुई देते हैं, धनिया के बाद इसको हमें ढक देना है। और याद रखिएगा आप गैस ऑफ कर दीजिए और तुरंत धनिया के बाद चलाना नहीं है, कल छुरी नहीं लगानी है, सिर्फ इसको ढक दीजिए और 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। क्योंकि 5 मिनट भी रखेंगे ना ठीक है, लेकिन 10 मिनट में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जैसे मैंने रखा था 10 मिनट के लिए। और आप देखिएगा कितना माशाल्लाह इतना बेस्ट सालन आपका आएगा, देखिएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे गैस ऑफ करने के बाद 10 मिनट के लिए रख दिया था, आप भी ऐसा ही कीजिएगा, 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा फिर इसे सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।